हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम टुडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नंदुरबार घूमने के प्रमुख स्थान। नंदुरबार महाराष्ट्र राज्य के खानदेश में एक जिला है। नंदुरबार जिले को 1 जुलाई 1998 में धुले जिले से विभाजित किया गया था। नंदुरबार जिले को महाराष्ट्र का उत्तरी जिला भी कहा जाता है। यह जिला आदिवासी समृद्ध और प्राकृतिक विविधता से भरा हुआ है। नंदुरबार जिला महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास स्थित है। तापी और नर्मदा दो नदियां इस जिले से बहती है। यहाँ उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मूंगफली, बाजरा, ज्वार, चना और गेहूं है। नंदुरबार जिले के सातपुड़ा पर्वत रेंज में बड़ी संख्या में आदिवासी लोग रहते हैं। नंदुरबार जिले में कुल 6 तालुके हैं। नंदुरबार जिले का क्षेत्रफल 5,955 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नंबर 1, तोरणमाल हिल स्टेशन। नंदुरबार से लगभग 75 किलोमीटर के दूरी पर तोरणमाल एक ठंडी जगह है। तोरणमाल सातपुड़ा पहाड़ियों में एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 4,793 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान शांत और प्राकृतिक सुंदरता से सुशोभित है और पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। पूरे साल तक यह ठंडी होती है। यहाँ पर सीता खाई का झरना बारिश के मौसम में गिरता है। कई जानवर इस जगह पर रहते हैं और विभिन्न प्रकार के पौधे भी हैं। नंबर 2, प्रकाशा। प्रकाशा यह स्थान दक्षिण काशी के रूप में जाना जाता है। प्रकाशा एक आध्यात्मिक रूप से पवित्र स्थान है और भक्तजनों में पूजा स्थल के रूप में जाना जाता है। तापी और गोमाई, इन दो नदियों का संगम यहाँ पर हुआ है। केदारेश्वर और संगमेश्वर जैसे शिव मंदिर यहाँ स्थित है। नंबर 3, उनपदेव। नंदुरबार जिले में उनपदेव का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यहाँ गर्म पानी के झरने लगातार बहते हैं और निरंतर पानी कुंड में गिरता है। चट्टानों से बहता यह पानी पर्यटकों को आकर्षित करता है। नंबर 4, अस्तंबा। नंदुरबार जिले के अक्राणी तालुके में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित अस्तंबा एक धार्मिक महत्व है। दिवाली के आसपास यहाँ 10 से 15 दिनों का मेला आयोजित किया जाता है। यह आयोजित होने वाला मेला दक्षिण गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। वेल दोस्तों, ये तो थी नंदुरबार के बारे में छोटी सी जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।